प्रेम कुमार ऑन स्क्रीन. प्रेम सर, स्क्रीन इज योर्स. वेलकम सर. गुड मॉर्निंग हरिप्रसाद जी. माय वॉइस इज क्लियर, कैन यू हियर मी? यस सर, परफेक्टली क्लियर. Perfect. Thank you for the wonderful introduction. And as I always feel, it's very special to have Hariprasad ji as my host. It's like, you know, when you're batting in cricket, it's very important to have a good partner in the non-strike. So it's otherwise you will be run out, you know. So having a good partnership in cricket is very important. Same way, having a fantastic host is also very important. And when it is Hariprasad, तब तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आई कैन गो ऑन द स्टेज और कम ऑन द स्क्रीन कॉन्फिडेंटली बिकॉज ही इज गोइंग टू सेट द स्टेज ऑन फायर. थैंक यू वेरी मच हरिप्रसाद जी. सो हाउ आर यू फीलिंग दिस मॉर्निंग? वेलकम सर. थैंक यू. हाउ आर यू फीलिंग दिस मॉर्निंग? सुपर्ब सर, सुपर्ब. आई कुडंट स्लीप यस्टरडे बिकॉज आई एम गेटिंग आउट दिस अपॉर्चुनिटी टू होस्ट दिस इवेंट. ओके, अच्छा ठीक है. और सुबह का मॉर्निंग आई थिंक यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट 1K. Yes. Okay, fantastic. So good. So how is Mangalore and how is the weather there? Superb, sir. It was a little cold here. First time maybe in the century, we are experiencing cold weather in Mangalore. Mangalore, that's what I was also feeling, because it's basically because of lesser pollution, lesser vehicles, and the nature is like, it's giving its original feel once again. Yes, sir. Fantastic. Thank you, Hariprasad ji. Thank you very much. So, dear friends, good morning, all of you. Come to the chat box and share your love. Where are you from and how are you feeling and what is the weather report in your place? Good morning, everybody. Good morning, warriors. And I can see 400 people almost. We have 398 and it's getting added up. बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोग कहां से हो और कैसे हो मेरे प्यारे team members? Good morning. Right. Please type your messages and pour in some love and some energy this morning, because we need a lot of energy to move in life. Okay. Wow. Fantastic. I can see the chat box is bombarded with messages. Achha. Bahut achha lag raha hai. Very good. और एवरी थर्सडे हम लोग मिलते थे और इस बार फ्राइडे रखा गया क्योंकि वी हैव द आरटीपी ऑन थर्सडे इसके वजह से. सो आई थिंक अदरवाइज इट्स यूजुअली ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग टू मीट ऑल ऑफ यू. और जैसे आप लोगों को पता है, वी आर गोइंग थ्रू अ सीरीज वेबथॉन सेशन सीजन थ्री, जिसके अंदर वी आर डिस्कसिंग 13 वाइटल सब्जेक्ट्स. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 7 weeks एंड दिस इज आवर 8th week. एंड टुडे वी हैव येट अनदर वेरी वेरी पावरफुल सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड. मैं बहुत एक्साइटेड हूं. थैंक यू फॉर द मैसेजेस. मैं सभी मैसेजेस यहां पर देख पा रहा हूं. आई एम नॉट एबल टू रीड द मैसेज फॉर यू, रीड इट आउट. बट हम अच्छे हैं सर. अच्छा, वेरी गुड. किसी का बीच में ऐसे आ गया था. ओके, सो वेरी फंटास्टिक टू सी ऑल ऑफ यू लवली पीपल टुडे मॉर्निंग. एज हरिप्रसाद जी वाज सेलिंग, दिस इज अ लर्निंग. एंड आई वुड से, मैं तो कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा लर्निंग मेरा यहां पर हो रहा है, क्योंकि यू नो, जब हम कपड़ा धोते हैं, नॉट टुडे, यू नो, टुडे वी हैव ऑल द वॉशिंग मशीन एंड ऑल द लेटेस्ट गैजेट्स. कपड़ा धोते हैं ना, तो कपड़ा धोने का जो क्रिया है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो यू नो, हम पुराने जमाने में हाथ में कपड़ा धोते थे. और जब कपड़ा हम हाथ में धोते थे तो एक पत्थर होता था, द वॉशिंग स्लैब और द स्टोन. और वी यूज टू वॉश द क्लॉथ्स. उसको पहले हम पानी में डुबा के, फिर सोप वगैरह लगा के, फिर हम लोग कपड़ा हाथ में धोते थे. और अभी भी शायद गांव के देसी लोग आज भी ऐसे ही धोते हैं. तो जब कपड़ा हम धोते हैं तो क्या होता है, कपड़ा साफ होता है, ये हम लोग सोचते हैं. लेकिन सच में आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कपड़ा धोने के टाइम पे कपड़ा साफ होता है, उसके साथ ही साथ वहां पर जो स्टोन पत्थर जो है, जिस पत्थर पे हम लोग कपड़ा धोते हैं, वो पत्थर भी साफ होता है. और उसके साथ ही साथ जो आदमी कपड़ा धो रहा है उसके हाथ भी साफ हो जाते हैं. तो मैं यहां पर वेबथॉन में जब मैं आता हूं तो उस टाइम पे पता नहीं आप लोगों को कैसे फील होता है, तो मुझे लगता है हमेशा के लिए कि मैं अपने आप को और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी पाने के लिए मैं अपने आप को ज्यादा यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ. एंड आई एम एबल टू लर्न मोर देन एवरीबडी. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील, क्योंकि हर बार जब मैं वेबथॉन में आता हूँ, आई फील आई गो बैक विद लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ जोश, लॉट ऑफ लर्निंग. तो आज हरिप्रसाद का भी एक फेवरेट सब्जेक्ट है ये, तो आज इस सब्जेक्ट को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ. दैट इज कॉल्ड एज योर पर्पस इन योर लाइफ. और ये सब्जेक्ट जो है, दिस इज वेरी मच कनेक्टेड टू एवरी इंडिविजुअल, बिकॉज मुझे ऐसे, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं मानता हूं इस बात को, कि एवरी स्टोरी, एवरी लाइफ, एवरी पर्सन
has a story. Every person has a story. And every person's life is a story. Har aadmi ka zindagi jo hai, it's like a beautiful story. Jaise, you know, you take a book, okay? So when you take a book, okay, this is a very nice book, The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy, Dr. Joseph Murphy. So when you take a book, har kitab ko jab aap haath mein lete hain, to उस किताब को पढ़ने में बड़ा मजा आता है. यू नो, यू ओपन द चैप्टर एंड स्टार्ट रीडिंग द प्रीफेस एंड ऑल दैट, और उसके बाद यू रीड द बुक. सो आई बिलीव एवरी बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड एंड इट्स वेरी गुड कंपेनियन. और जैसे हर आदमी के लाइफ जो होता है, एवरी पर्सन्स लाइफ, इट इज अ स्टोरी, अ ब्यूटिफुल स्टोरी. एंड द स्टोरी स्टार्ट्स When you were born, जब हम इस दुनिया में आए थे, उस दिन की अगर हम बात करें, so that is the first page. वहां से आपका story जो है वो शुरू होता है. और there are many chapters in your life. You keep changing the pages, you keep moving. And some books are very bulky, very big. Some books are very thin. But end of the day, every book has a front page and the last page, and it has got lots of chapter. So यहां पर we have 426 people including me and more people are joining and बहुत सारे लोग हैं. And if you look at each one of you, your life is your story. Your story is tomorrow's history. That is why when they, you know, talk about the past events in this world, they call it as history. In general, human being, man's story, It's called his story. That's why it's called history, itihas, charitra ke baare mein jab hum baat karte hain. So your life is also a beautiful story. Your life is also a beautiful story. Aur ye story aapka jo hota hai, aapke life ka jo story hai, ye is duniya ko aap jo sandesh dena chahte hain, wo is zindagi ke andar hai. I think it is, if I'm not wrong, it's Mahatma Gandhi, the great human being. महात्मा गांधी जी ने कहा, योर लाइफ इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट इज इंस्पायरिंग इनफ. तो हमें भी ये चीज याद रखना चाहिए कि आई एम ऑल्सो लिविंग अ लाइफ विच इज अ स्टोरी. माई लाइफ इज लाइक अ बुक विच इज अ स्टोरी. और शायद अब या 10 साल के बाद या जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, पीपल विल हियर अबाउट अस, People will talk about us, लोग हमारे बारे में बात करेंगे, लोग हमारे बारे में याद करेंगे, लोग हमारे बारे में चिंतन करेंगे, कभी कभी हमारे बारे में चर्चा करेंगे. और उस चर्चे में, उस बात में, उस डिस्कशन में हमारे बारे में लोग क्या कहना चाहिए, वो डिसीशन हम आज ले सकते हैं, ताकि जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, people will remember us for the things what we want them to be remembered. राइट तो आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास टाइम है, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने लाइफ को किस तरह के स्टोरी बनाएं, किस तरह के मैसेज हम इस दुनिया को देकर जाएं. सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग टुडे अबाउट, द पर्पस ऑफ योर लाइफ. अब देखिए, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ पर्पस. लेट्स से आई हैव अ यू नो द सैनिटाइजर, जो भी ग्रीन दिखाता हूं तो इसमें पूरा ये हो जाता है. ओके, दिस इज अ सैनिटाइजर. ओके, राइट, You can see my hand. Okay. So what is the purpose of this sanitizer? It's very simple. You open it, you put a drop on your, you know, hands, and then you sanitize. So that is the purpose of the sanitizer. So I have a clip with me. Okay. Ye clip hai. Okay. Thank God it's not green. Okay. So ye jo clip jo hai, this is maybe to keep the things together. Agar mere paas agar kuch papers hain, or in papers ko main yahan par, you know, I want to keep it together. Okay, this is a clip. Okay, I can bend it like this. Okay, so clip, is clip ko jisne banaya, is clip ka ek purpose hai. This has got a purpose. What is the purpose? It is to hold the papers together, maybe some currencies together, or maybe some documents together. So that's about it. Or let's take this, you know, this paper is, you know, to write something on this. Iske upar kuch likh sakte hain. The pen has got a purpose to write. Achha, so this pen, this paper, clip, this sanitizer, and in all these things, it has got a purpose behind it.
तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ? वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, अ वेरी इमोशनल क्वेश्चन इट मे बी, और वेरी 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 साइंटिफिक क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज अगर आपको आपकी जिंदगी का पर्पस पता चल गया तो लाइफ जीने में मजा आएगा। जैसे आज हरिप्रसाद जी ने बताया यहां पर कि प्रेम सर हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू यू नो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और एंटरप्रेन्योर्स को बनाने में उन्होंने उनका लाइफ डेडिकेट किया। पता नहीं मैंने कब ये हरिप्रसाद जी को बताया, लेकिन उनको मेरे बारे में पता है, तो उन्होंने जो भी कहा हमेशा वो सही होगा, बिकॉज ही नोज मी वेरी वेल, वी शेयर अ वेरी ब्रदरली वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप, ही इज एल्डर टू मी बट स्टिल वी हैव अ फैंटास्टिक रिलेशनशिप। सो उन्होंने कहा कि प्रेम सर हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर दिस, दैट इज हिज पर्पस ऑफ हिज लाइफ। सो यस, इट इज अ काइंड ऑफ partially it is a fact that I have dedicated, maine apni zindagi ko, I have decided to be in this industry and to go ahead in this industry and to do this business to help many people to become successful, and that is a kind of a purpose in my life. I have, of course I have a greater part to it, lekin uska ek chota sa hissa yahan par main aapko bata sakta hu ki yes, in my life I believe that direct selling is a very important part, and I have discovered my life's purpose through this. ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ? और इसका आंसर आपको शायद अभी नहीं ना मिले, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये सवाल आपके अंदर होना चाहिए। यू नीड टू हैव दिस क्वेश्चन इन योरसेल्फ, और अपने आप को ये सवाल, ये अपने आप से ये सवाल हमेशा करना चाहिए कि व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ। जैसे हम सड़क पर देखते हैं कभी कभी गाय, राइट, देयर इज अ काउ, इट इज वॉन्डरिंग, सम बफेलोज आर वॉन्डरिंग इन द रोड, सम डॉग्स आर वॉन्डरिंग इन द रोड, सम डोंकीज, गधे हम देखते हैं ना कभी कभी, गधा सड़क पर जाता है। सो द एनिमल्स दे लीव देयर लाइफ आउट ऑफ इंस्टिंक्ट, यू नो इंस्टिंक्ट का मतलब इसको पता चलता है कि ओके ये घास है तो ये मुझे खाना पड़ेगा, तो द काउ ईट्स द ग्रास, एंड यू नो इट इज हैविंग अ डिफरेंट लाइफ द एनिमल्स, एंड वी As human beings, we also have a greater purpose. हमारे जिंदगी में we have very big purpose. और हमें ये जो life जो ये जो 50 years, 60 years, 70 years, let's say 100 years, ये जो life हमें दिया गया है, ये life जो है इसको meaningful बनाना चाहिए, और life का meaning ढूंढने से अच्छा है कि life के लिए हम life को हम meaningful बना दें। जैसे if I was born maybe in 19th century or in 18th century, I would have probably been, I'm thinking sometimes, I would have probably been somebody like Bhagat Singh or Subhash Chandra Bose or like Netaji, you know, what do you call, Mahatma Gandhi ji, you know, the freedom fighters. Us zamane ki baat kar raha hun, right? If I was born maybe at that time, I would have been probably one of the freedom fighters, or I would have been a follower of one of the freedom fighters, because us zamane mein, that was what was needed for this country, and maybe that was my purpose of my life. Or if I was born, let's say some 500 years ago, I would have been maybe like Vasco da Gama, a traveler taking a boat and, you know, discovering the new routes. Or maybe I was born, if I was born, so maybe some 1,000 years ago, I may be one of the, maybe like, you know, those days, how the people were living, the Stone Age, the Middle Age, right? I would have been like that. So I am born in 1981, and I am living now in my life. I have completed last, you know, now I am in my 40th year. So this is one thing I'm like, I was thinking last 1 month onwards, maybe life, man, I have completed 40, and what is, you know, my purpose of my life and how it is going. In cheezon ke bare mein soch raha tha. So what is your purpose in your life? Maybe you are in your 20s, you are in your 30s, or whatever age you are. एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यू शुड थिंक वन थिंग, एक चीज आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी। त्रिवेणी शेट्टी मैडम इज हियर, एंड इन द मूवी और द बुक ऑफ त्रिवेणी शेट्टी, शी इज द मेन कैरेक्टर, एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, चिल्ड्रन, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड्स, एवरीबडी इज अ कैरेक्टर, बट दैट इज नॉट द मेन कैरेक्टर। In Sayyed Mubarak Ali's life, in Hariprasad's life, in Shanawa's life, you are the main character. And you are the lead role. If you see the movie Suryavamshi by Akshay Kumar, there is also Ajay Devgan, there is also Ranveer Singh.
But the main Chunky Pandey, not Chunky Pandey, one more actor is there. I forgot his name. One dancer, right? Okay, so the main character is Akshay Kumar in Suryavanshi movie. I was watching in Amazon sometime back, some 1 month back, right? So Akshay Kumar is the main character. He's the lead role also. He's the hero. So in your life, you are the hero and you have to discover what is your purpose. Aapka purpose kya hai? जैसे मैंने आपको बताया सड़क पर यू लुक एट आउटसाइड व्हेन यू गो यू कैन सी अ काउ अ डॉग अ डोंकी मे बी सम यू नो डक्स चिकन यू कैन सी सम बर्ड्स सम स्नेक्स राइट सो एवरीथिंग एनिमल्स दे लीव अ लाइफ एज इंस्टिंक्ट्स लेकिन एज ह्यूमन बीइंग्स वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर पर्पस इन अवर लाइफ इन व्हाट डायरेक्शन वी आर ट्रैवलिंग कभी कभी क्या होता है ना If you are going fast also, you need to take breaks in between just to sit down and to look at your life. Aap kis direction mein travel kar rahe hain, right? Industry of business, sabhi log nahi kar sakte. It's a fact. Some people come to industry of business, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, they are still star 250, star 500, you know, they are just, you know, in an ordinary rank and they're just spending their time pass. I mean, I'm not understanding कि वो लोग उनके टाइम इधर वेस्ट क्यों करते हैं मैं हमेशा वैसे लोगों को जब मिलता हूं तो I tell them, please don't do industry or business, sir. Please, you spend your time with your family. You please do some other job. क्योंकि industry or business करने का भी एक purpose होता है industry or business कैसे लोगों को मतलब अच्छा लगता है कैसे लोगों को ये suitable है किस तरह के लोग इस business को कर सकते हैं If you ask me, it is not for everybody. Because this journey is not easy, Baba. It is not easy. It is not for everybody. It is not especially for the lazy. It is for the people who are crazy. And ordinary log jaise sochte hain, aam log jaise sochte hain, normal, mediocre, middle class, ordinary, simple zindagi jinko chahiye, unke liye market mein bahut sara options hai. They can go and join a job. They can do some other small business or kuch bhi kar sakte hain. There are many professions. Main kisi profession ke bare mein matlab niche nahi dikha raha hu. Kisi profession ke bare mein galat nahi keh raha hu. Every profession is important in this life. If like you know somebody said, I think it's Nelson Mandela. If I'm not wrong, what was said is even if you are a sweeper. अगर हम सड़क पर यू नो झाड़ू मारने वाले हैं जो सड़क को साफ करते हैं इवन इफ यू आर अ स्वीपर डू द स्वीपिंग इन सच ए ब्यूटीफुल वे ऐसे आपको स्वीपिंग करना चाहिए आई थिंक मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला आई एम नॉट क्लियर आई थिंक शुड बी मार्टिन लूथर किंग माय ब्रेन सेज दैट सो इवन इफ यू आर अ स्वीपर आपको ऐसे मतलब झाड़ू मारना चाहिए आपको ऐसे साफ करना चाहिए अपने झाड़ू को लेके कि सारे के सारे दुनिया के लोग आपको देखकर आपकी जो साफ करने का जो तरीका है और आप जैसे सड़क को साफ करते हैं उसे देखकर लोगों को कहना चाहिए कि वर्ल्ड्स बेस्ट स्वीपर ये रहा देखिए मेरे सड़क पे आके देखिए यहां पर रहता है इस दुनिया की बेस्ट स्वीपर इतना बढ़िया वो स्वीपिंग करता है क्योंकि एवरी प्रोफेशन इज इंपॉर्टेंट जैसे मैंने कहा एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन पर्पस इन देयर लाइफ सो मे बी वॉट एवर पर्पस गॉड हैज फॉर अस वॉट एवर पर्पस वी हैव रियलाइज फॉर अवर सेल्फ मैं किसी प्रोफेशन को मैं ऊपर या नीचे नहीं कहता हूं बट आई फील किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं इधर किधर इधर दिल में लगना चाहिए कि मैं इस दुनिया की बेस्ट प्रोफेशन में हूं और ये एक बार नहीं 100 बार नहीं लाख बार नहीं बार बार इस धड़कन के अंदर इस दिल के अंदर लगना चाहिए कि आई एम इन द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोफेशन दोस्तों एक छोटा सा पेंटिंग करने के लिए हमको इतना मतलब मुश्किल होता है कभी कभी वी कांट इवन फोकस ऑन दैट If you look at the paintings of Picasso, what a kind of painting he has done. If you go to Europe, if you go to Italy, and if you see the you know paintings of you know Picasso, what lovely paintings he has done. और कभी कभी लगता है कि not Picasso, I'm sorry, Da Vinci, you know the kind of paintings he has done.
एक एक पेंटिंग जब वो टूरिस्ट गाइड हमें दिखा रहा था, इट वॉज लाइक सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इतना डीपली कोई इंसान कैसे इस पेंटिंग के अंदर जा सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? एंड उन्होंने जो डेडिकेशन उसके अंदर दिया, फाइनली लगा कि गॉड हैज सेंट दिस पर्सन, ऊपर वाले ने इस आदमी को ये पेंटिंग बनाने के लिए बनाया. जब आप अमिताभ बच्चन के एक्टिंग देखते हैं तो आपको लगता है कि दिस पर्सन इज बॉर्न फॉर एक्टिंग. और पीले द फुटबॉल लेजेंड वो हमेशा कहते हैं कि हर इंसान के अंदर जब उसके सामने एक फुटबॉल की तरह एक बॉल रहता है तो उसको किक करने का जो फीलिंग है वो बेसिकली हर इंसान के अंदर है. मैन हैज गॉट द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ किकिंग अ फुटबॉल. सी दैट इज हाउ पीले इज टॉकिंग अबाउट फुटबॉल बिकॉज ही लिव्ड फॉर फुटबॉल, ही इज अ लेजेंड इन फुटबॉल. तो आई बिलीव being in direct selling industry, being in Indus Viva, being in the wellness industry, community commerce, hamesha hame ye lagna chahiye ki I am in the world's best profession. Passion in any profession, kisi kshetr ke andar, agar hum bahut bada naam karna chahte hain, to sabse pehle us kshetr ke baare mein hame respect aana chahiye. Respect kab aata hai? Jab aapko andar hi andar garv mehsoos hota hai कि मैं जो कर रहा हूं इस दुनिया की बेस्ट प्रोफेशन के अंदर हूं, तब ऑटोमेटिकली यू विल फील द रेस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट प्रोफेशन. सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि जब मैं क्रिकेट का बैट लेके नेट प्रैक्टिस करने उतरता हूं फील्ड में, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूं. व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, राइट? अगर सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि क्रिकेट इज माई टेम्पल, पब्लिक कहते हैं ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट. सी द कनेक्शन, what a beautiful connection. So dosto, are you feeling the same passion in your life and are you feeling that network marketing is your purpose? Are you in the right profession? Ye sawal apne aap se poochiye, because this business is for people who are crazy, not for people who are lazy. फुर्सत रहना नहीं रहना चाहिए आपको दो मिनट भी अपने 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 टाइम को वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहां पर काम करने के लिए इतना ज्यादा काम है और हमारे पास 24 आवर्स समटाइम्स इज नॉट इनफ. मैं अपना व्हाट्सएप देख रहा हूं, मैं वो मैसेज रिप्लाई कर ही नहीं पा रहा हूं बिकॉज सो मेनी मैसेजेस, सो मेनी पीपल, सो मेनी क्वेश्चंस एंड सो मेनी कम्युनिकेशंस आर हैपनिंग. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट अकम्प्लिशिंग थिंग्स. मैं कहता हूं कि जितना मैं अकम्प्लिश कर पा रहा हूं उससे कहीं गुना ज्यादा है. वन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर और वन रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर इज नॉट इनफ फॉर इंडिया. इंडिया नीड्स एटलीस्ट आई वुड से 1,000 ब्लैक डायमंड्स, 10,000 डायमंड्स, बिकॉज इंडिया इज ह्यूज विथ 1.3 बिलियन प्लस पॉपुलेशन वी हैव. एंड मार्केट में करने के लिए काम इतना ज्यादा है, इतने सारे लोग हैं, इतना मतलब एक जिंदगी काफी नहीं है हमें ये बिजनेस करने के लिए. हमारे पास जो टाइम है वो काफी नहीं है बिकॉज लाइफ इज सो ह्यूज. एंड इस दुनिया में अगर आप घूमने की अगर बात करें तो यू हैव सो मेनी प्लेसेस की रोज अगर एक एक जगह पे जाएंगे तो भी सारा जिंदगी जो है वो कम पड़ जाएगा आपको दुनिया देखने के लिए, बिकॉज द वर्ल्ड इज सो बिग एंड सो ब्यूटिफुल एंड सो ह्यूज. So, what is your purpose in your life? The first question. क्योंकि जब तक वो purpose clear नहीं होता है, आज सुबह I was talking in project one के, उसके अंदर मैं वही कह रहा था कि दुनिया में life, हमारा जो life जो है, it's like cooking, कुछ पक रहा है. जैसे बर्तन रख दिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, और उस पानी के अंदर आलू अगर हम डालते हैं, तो it is cooking. So in our life, how many purpose we have, what all purpose we have, that is what is gets cooked. So hamara har din ka utna, baithna, baat karna, WhatsApp pe kisi se chat karna, kisi ko message send karna, koi kaam karna, apna time dena, apna effort, apna energy, ye sab kuch kisi cheez ke andar agar hum de rahe hain, wo aisi cheez hona chahiye jo ek saal, do saal, teen saal ke baad aapko bahut bada naam kama ke de sake, आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाने में मदद करे और बहुत सारे लोगों को मदद करने में आपको एक मौका दे और बहुत कुछ अपने लाइफ में जो आप सपने देख रहे हैं उन सपनों को, मतलब उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में वो मदद करे. तो मैं आपको आज यही बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको इंडस वीवा ही करना चाहिए, लेकिन मैं आज आपको ये एज ए गुड फ्रेंड मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको कुछ ऐसे करना चाहिए जो आपको एक्चुअली करना चाहिए.
जैसे आपको कुछ ऐसे करना चाहिए जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी को आगे जाकर वो बेहतर बनाए। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं दिल में कि यस दैट इज इंडस विवा, तो मैं आपको बता रहा हूं फॉरगेट एवरीथिंग, बाकी सारी चीजों को आप भूल जाइए। जैसे वो कहते हैं ना लाइफ में सही रास्ता चुनना इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा पर्पस ऑफ योर लाइफ, अगर आपको लगता है कि योर कॉलिंग इज देयर इन नेटवर्क मार्केटिंग, योर फ्यूचर इज देयर इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू आर डिजाइंड फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, तो बहुत बढ़िया। फर्स्ट थिंग, सो फर्स्ट थिंग इज चूज द राइट पाथ, सही दरवाजा जो है उससे आप चुनिए और उस दरवाजे के अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम है, यह शायद एक बहुत बड़ा कमरा है, और आपको मैं बता रहा हूं किस कमरे के अंदर जाना डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, किस कमरे के अंदर जाना, किस दरवाजे के अंदर हमें प्रवेश करना चाहिए, यह डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सेकेंड पार्ट बहुत सारे लोग नहीं जानते और बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, और वो सेकेंड पार्ट के बारे में आज मैं ज्यादा बात करना चाहता हूं। पहली चीज, क्या मेरा पर्पस इंडस विवा करने का है, तो डिसीजन इज पक्का, फंटास्टिक, एंट्री करो, स्टेप इन, प्रवेश करो अंदर। और एक बार डिसीजन ले लिया कि मैं इस दरवाजे के अंदर जा रहा हूं कॉल्ड इंडस विवा, कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग वेलनेस, उसके अंदर जाने के बाद दोस्तों हमें और एक चीज और एक काम भी हमें करना चाहिए जो हमारा सबसे बड़ा वीकनेस कभी कभी साबित हो सकता है, कि वो ये है कि उस कमरे के अंदर जाने के बाद बाकी सारे दरवाजे जो है उसे बंद करो। सबसे पहले उस कमरे के अंदर जाने के बाद, उस ऑडिटोरियम के अंदर जाने के बाद बाकी सारे दरवाजे जो हैं उसे बंद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यू नीड एनर्जी इन ऑर्डर टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। एक फील्ड के अंदर अगर विजेता आप बनना चाहते हैं, उसके अंदर सक्सेस आप पाना चाहते हैं, तो एनर्जी को उस चीज पर, जैसे मैंने वेबिनार का वन ऑफ दी सेशन में बात किया था पावर ऑफ फोकस, क्यों हमें उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद, मतलब उस कमरे के अंदर जाने के बाद, उस दरवाजे के थ्रू प्रवेश करने के बाद हमें बाकी सारे दरवाजा जो है उसे बंद करना चाहिए, बिकॉज दोज आर ऑल दी एनर्जी ड्रेनर्स इन अवर लाइफ। बाकी सारे दरवाजे, बाकी सारे खिड़कियों को हमें बंद करना चाहिए ताकि हम उस चीज पर फोकस करें, उन चीजों पर हम विचार करें, उन चीजों पर हम काम करें जिस पे हमें काम करना चाहिए। जैसे अभी मैं इस कमरे के अंदर बैठा हूं, दिस इज माय रूम, एंड आई मेक श्योर दैट इस दरवाजे के, मतलब इस कमरे के अंदर आने के बाद आई लॉक द डोर थ्रू विच आई कम इनसाइड, ताकि बाकी लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें और मुझे उधर की आवाज सुनाई ना दे और मैं फोकस्ड रहूं कि मैं यहां पर जो काम कर रहा हूं। जैसे वो पेंटर की बात कर रहा था, राइट, उस आर्किटेक्चर को बनाने के वक्त, ताजमहल को बनाने के वक्त उन्होंने जो फोकस किया उस पर, जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट पे फोकस किया, शाहरुख खान ने एक्टिंग पे फोकस किया, एआर रहमान ने म्यूजिक पे फोकस किया, मैं अपने डेस्क पे आने के बाद मैं यहां पर इस चीज पर फोकस करूं, इसीलिए मैं उस दरवाजे को बंद करता हूं, खिड़की को बंद करता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन वॉट आई एम डूइंग। तो आज मैं आपको फिर से वो याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले चुनो कि किस दरवाजे में मुझे प्रवेश करना चाहिए, उसके बाद बाकी सारे डोर्स जो होता है ना दोस्तों उससे बंद कर दो, तो वो एनर्जी ड्रेनर्स जो है आपके लाइफ में उससे पहचानना आज आपका एक असाइनमेंट होगा मेरी तरफ से। मैं वो असाइनमेंट आपको दे रहा हूं कि आइडेंटिफाई व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज ड्रेनिंग योर एनर्जी, कहां कहां से आपका एनर्जी लीक हो रहा है, क्योंकि उस एनर्जी को लीक होने से बचाना चाहिए, मतलब आपने एनर्जी को लीक होने नहीं देना चाहिए, उसको सील करना चाहिए ताकि उस एनर्जी को हम किसी एक चीज पर इन्वेस्ट करें, ताकि उस फील्ड में सबसे ज्यादा हमें मिले। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट, एवरी एक्शन हैज गॉट equal and opposite reaction. In English we say what you sow, so you reap.
तो इंडस वीवा के अंदर हमें अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना समय, अपना अपना पूरा सब कुछ यहां पर समर्पण क्यों करना चाहिए? बिकॉज व्हेन यू फोकस एवरीथिंग ऑन वन थिंग एंड देन व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट. एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो अगर आप अपना पूरा हटा के यहां पर अपना एनर्जी, अपना फोकस, अपना समय और अपना अपना टाइम यहां पर अगर आप दे रहे हैं, तो यहां से सब कुछ, वो सारी चीजें आप रिसीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में. जो हमेशा मैं अपने ट्रेनिंग्स में कहता हूं कि व्हाई आई एम गिविंग माय एवरीथिंग टू माय बिजनेस, बिकॉज माय बिजनेस इज गिविंग मी एवरीथिंग. So I'm so damn committed to my business. I'm so damn serious about my business because I'm very serious about my life. I'm very serious about my family. I'm serious about my happiness of my family. और वो मेरा purpose है as a father, as a husband, as a son. तो मैं अपने family को लेकर बहुत serious हूँ, इसीलिए मैं अपने business को लेकर बहुत serious हूँ. और जहां पर मैं अपना time देना चाहता हूँ उसके बारे में भी मैं सीरियस हूं. वरना क्या होता है, अगर मैं बात करूं कुछ लोगों की जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसका कारण यही है, वो कुछ ढीला होता है, उनकी कैरेक्टर थोड़ा ढीला होता है, उनकी 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 फोकस थोड़ा ढीला होता है, उनकी उनकी कमिटमेंट भी थोड़ा ढीला होता है. लेकिन जो चैंपियंस हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत बड़े अचीवर्स हैं, उनकी बातों में दम रहता है, उनके उनके काम में, काम करने के तरीका जो होता है, उनके कमिटमेंट में वो 100% होता है. सो दोस्तों, वाटर बॉइल्स, पानी जो होता है ना, उसकी बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो 100 डिग्री में बॉइल होना शुरू होता है. वरना वो गर्म रहता है, पानी गर्म होता है, ठीक है, बट वेन द हीट इज, यू नो, द हीट इज 100 डिग्री, that is called as the boiling point of water. और आपके लाइफ में आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं, जिसका जिस फोकस, जिस इंडस्ट्री में, जिस बिजनेस के अंदर अगर आप जो फोकस कर रहे हैं, अगर वो भी अगर बॉइल होना चाहिए, इफ योर बिजनेस हैज टू स्टार्ट बॉइलिंग, इफ योर एफर्ट्स हैज टू स्टार्ट गिविंग यू फ्रूट्स, वो 99% में नहीं होता है दोस्तों, वो 100% से ही होता है. अब ये बाकी सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जो कामयाब बनना चाहते हैं, और उनमें और उन लोगों में जिन्होंने सक्सेस को पाया, जो कामयाब हो चुके हैं, उनमें अगर आप फर्क ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ये 1% का फर्क, सिर्फ 1% का फर्क. 1% मेक्स द 100% डिफरेंस. तो हमें काम करना चाहिए नॉट 99% माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी मोर देन 100%. 100% आपका जब आप देंगे, वो अभिलाष जी, मेरे जो मेंटर, जो हमारे सीईओ एंड मेरे चीफ मेंटर हैं, अभिलाष जी हमेशा कहते थे कि प्रेम, यू हैव अ पावर इन यू, तुम्हारे अंदर पावर है, लेकिन तुमसे ज्यादा पावरफुल ऊपर वाला है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, वाहेगुरु, जिस भी पावर में आप मानते हैं, एक चीज तो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए ना. यू हैव टू बिलीव इन अ सुपर पावर. इफ यू डोंट बिलीव दैट देयर इज समथिंग हायर देन यू, मोर पावरफुल देन यू, तो जिंदगी जीने में मतलब कोई वैल्यू नहीं है, लाइफ बेकार होगा. यू मस्ट बिलीव दैट देयर इज समथिंग विच इज हायर देन यू, विच इज ग्रेटर देन यू, यू नो, आत्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा, दे से गॉड, they say this universal power, super power, whatever, जो भी जिस religion में भी आप believe करते हैं. One way I really love the good thing about religion is, religion आदमी को ना एक focus देता है, एक चीज पर focus करने के लिए, right? If you are a Hindu, you worship in one particular god, and Hinduism also, there are many many different gods, right? You don't have to go to all the gods, कि इस मंदिर में चले जाओ, उस मंदिर, of course going to mandir is not bad, but you should have one ishta devata, right, to focus on. Right? If you are a Christian, you pray to Jesus. If you are a Muslim, you pray to Allah. Whatever it is, लेकिन वो भी हमें belief के साथ करना चाहिए and उस super power के ऊपर belief होना चाहिए. Now coming back to what my mentor Abhilash ji said me is, there is a super power, there is God, and उसको अभिलाष जी कहते हैं कि turbo power.
ही सेज दैट इज टर्बो पावर, और वो टर्बो इंजन है, ठीक है, मेरा इंजन जो है वो नॉर्मल है इंजन, और ऊपर वाले का जो इंजन है वो टर्बो इंजन है। अभिलाष जी कहते थे टर्बो इंजन कब ऑन होगा, जब तुम्हारा इंजन एग्जॉस्ट होगा तब टर्बो इंजन ऑन होगा। तो इसका मतलब है ऊपर वाला काम कब शुरू करेगा, जब हम अपना पूरा 100% देकर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब वो टर्बो पावर शुरू होता है अपनी लाइफ में। वो कहते हैं ना महाभारत की अगर हम बात करें तो सब लोग चाहते हैं कि मुझे कृष्ण के जैसे सारथी मिल जाए तो मैं अर्जुन के जैसे एक वीर योद्धा बन जाऊंगा। अरे दोस्तों सच तो ये है, पहले हमें अर्जुन बनना पड़ेगा, तब जाके कृष्ण अपने सारथी बन के अपनी लाइफ में आएगा। तो हमें अपना 100% देना चाहिए, जैसे मेरे मेंटर ने कहा, तब जाके वो ऊपर वाला टर्बो पावर, टर्बो इंजन जो है वो ऑन होगा। राइट, सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इन सवालों से, मतलब इन सवालों को छोड़ के जाना चाहता हूं आपको, अपने आप से पूछने के लिए, आर यू डूइंग द राइट थिंग, अपनी लाइफ में आपका पर्पस क्या है, आर यू इन द राइट बिजनेस, आर यू इन द राइट इंडस्ट्री। कभी कभी मेरे बहुत करीब के दोस्त लोग इंडस्ट्री में नहीं करते हैं, एंड आई एम ओके विद दैट। अगर मैं सच कहूं तो माय ओन ब्रदर इज नॉट डूइंग इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस, एंड आई एम ओके विद दैट, बिकॉज हिज पर्पस इन लाइफ इज डिफरेंट। मैंने अपने क्लोज फ्रेंड को अप्रोच किया था बिजनेस के लिए, उसने इंडस्ट्री को, ही सेड नो, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मुझे लगा माय पर्पस इज इंडस्ट्री वा, और मुझे ये सोचना भी नहीं चाहिए कि दुनिया के सारे लोग इंडस्ट्री में आ जाएंगे। नो, इट्स नॉट करेक्ट। हाँ, वो सारे लोग जो लोग इंडस्ट्री वा बिजनेस करना चाहते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जीत हासिल करना चाहते हैं, वैसे लोग मेरे साथ आ जाए, वो अच्छी सोच है। लेकिन दुनिया के सारे लोग मेरे साथ आ जाए ये मुमकिन ही नहीं, मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राइट, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट। सो योर पर्पस इन लाइफ शुड बी क्लियर। तो आज का सवाल अपने आप से, एम आई इन द राइट इंडस्ट्री, फर्स्ट थिंग, इफ आई एम इन द राइट इंडस्ट्री, एम आई डूइंग द राइट थिंग। राइट, वो कहते हैं इंग्लिश में, इवन इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इफ यू डोंट मूव यू विल गेट रन ओवर और यू मे बी गेट हिट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप सही ट्रैक पर हैं, ट्रैक पे तो सारी बहुत सारी गाड़ियां आती रहती है ना, अगर आप सही ट्रैक पर हैं लेकिन अगर आप हिल नहीं रहे, अगर आप मूव आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो यू विल गेट रन ओवर। तो कभी कभी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड व्हाट इज माय पर्पस, एंड इफ यू फील दैट इंडस्ट्री इज योर बिजनेस, इट इज योर पर्पस, इट इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग यू वांट, एंड इंडस्ट्री वर्क के हिसाब से, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं और बदलने के लिए तैयार हैं, देन इंडस्ट्री इज गुड। एंड लेट मी टेल यू माई डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंडस्ट्री को सेलेक्ट करते हैं तो इंडस्ट्री में आपका ग्रोथ होना चाहिए। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉपिंग यू, एंड व्हाट एवर इज स्टॉपिंग यू, वो माइंड ब्लॉक कुछ भी हो सकता है। हाँ, इंडस्ट्री के साथ लास्ट ईयर ऐसे लीगल प्रॉब्लम्स क्यों हुआ, व्हाई इंडस्ट्री के बारे में ऐसे पेपर में आर्टिकल आया था, या इज इट द राइट कंपनी। तो अगर आपके माइंड में कुछ माइंड ब्लॉक्स है, उन माइंड ब्लॉक्स को जल्दी से डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो, आगे बढ़ो। सीक द राइट आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस यू हैव इन योर माइंड। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, आपके मन में जो भी डाउट्स है, वो सारी चीजें, उन डाउट्स को क्लियर कर लो, क्लैरिफाई करके आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज इफ यू डोंट डिस्ट्रॉय योर माइंड ब्लॉक्स एंड गेट अहेड, द माइंड ब्लॉक्स विल डिस्ट्रॉय यू एंड पुश यू बैक इन योर लाइफ। या तो बिजनेस को समझो 100% एंड इस बिजनेस के अंदर अपना 100% जान डाल के खेलो, वरना कहीं और जाकर अपना जान डालकर वहां पर खेलो जहां पर आप सफल हो सकते हो। ये दोनों चीजों से मैं सहमत, मैं इन चीजों से मैं सहमत, मतलब इस बात से मैं सहमत हूं। एक तो आइदर सेलेक्ट इंडस्ट्री वा एंड डू इट विथ 100%, और डिसाइड की इंडस्ट्री वा इज नॉट माई कप ऑफ टी, एंड अपना 100% जो है वो कहीं और दे, ताकि वहां से हम कुछ कमा सके, कुछ मतलब कामयाब बन सके। राइट, इन दोनों को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ लोग रहते हैं, ये कहते हैं हिंदी में ना घर का
ना घाट का। ऐसे अवस्था में अगर कोई है तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जल्दी से अपने मेंटर के साथ बैठो, प्लीज सिट विथ योर मेंटर एंड गेट दिस डैम थिंग क्लियर इन योर माइंड। क्योंकि दोस्तों क्लैरिटी इज पावर एंड पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल क्लैरिटी इन देयर माइंड। अगर यहां पर क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ भी कर लो यार, कुछ नहीं हिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। तो उन लोगों से, स्पेशली जो बीच के लोग हैं, जो न घर का न गाट का कैटेगरी के लोग हैं, बुरा मत मानना, मुझे सच कहना चाहिए, क्योंकि जिस मंच पर, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, यहां पर बहुत सारे लोग मुझे सुनने आते हैं और मेरी बातों को सीरियसली लेते हैं। तो यहां पर बैठ के मैं मीठी मीठी बातें बोलकर कहने, मतलब जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको सच बताना चाहता हूं। और कभी कभी सच कड़वा भी होता है, एंड एवरी मेडिसिन इज नॉट स्वीट बट मेडिसिन इज गुड फॉर हेल्थ। तो मुझे यहां पर यह बताना चाहिए, इफ यूर डैम नॉट क्लियर इन योर माइंड कि इंडस वीवा इज द राइट कंपनी, इंडस वीवा इज द राइट पाथ फॉर मी, प्लीज फॉर गॉड सेक किसी और कोर्स में ज्वाइन कर लो, कुछ और कर लो, लेकिन लाइफ को बढ़िया बनाओ। क्योंकि दोस्तों, as I told you in the beginning of today's webathon, ki every story is beautiful and your life is a story and you are the hero of your life. और मैं चाहता हूं कि यू शुड टेक द लीड रोल, लीड कैरेक्टर इन योर स्टोरी, नॉट अ साइड रोल। वो पता है ना, कभी कभी डांस करते हैं कोई हीरो के साथ, साइड में जो रहते हैं उनका चेहरा जो है उसको ब्लर कर देते हैं जानबूझ के, ताकि हीरो या हीरोइन बहुत सुंदर दिखे। यू नो, परम 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 सुंदरी सॉन्ग में कृति सोनन को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, लाइट उनके चेहरे पे ज्यादा दिखाया जाता है, ताकि शी बिकम्स मोर हाईलाइटेड। बाकी लेडीज, सुंदर लड़कियां जो नाच रही हैं, उनको साइडलाइन किया जाता है, उनको ज्यादा हाईलाइट नहीं दिया जाता है, बिकॉज देन ओनली कृति सोनन विल लुक मोर अट्रैक्टिव एंड मोर ब्यूटीफुल। परम सुंदरी सॉन्ग में, अब परम सुंदरी या परम सुंदरा, दोनों से मैं यही कहना चाहता हूं, अपनी लाइफ का जो फोकस है अपने चेहरे पे ज्यादा लाने की कोशिश करिए और अपनी लाइफ के हीरो या हीरोइन या व्हाटएवर द मेन कैरेक्टर आप खुद बनो। और योर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो। आप इंडस वीवा में रहें या कहीं और जाएं, कहीं पर भी जाएं, लेकिन आपकी लाइफ पर्पसफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और सबसे ज्यादा दोस्तों मजेदार जिंदगी और कलरफुल लाइफ आपका होना चाहिए। तो आज जो मैंने आपको बताया यहां पर, वो पर्पस को लेके मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट को सुनने के बाद शायद आपके लाइफ में थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा। और जैसे मैं हमेशा करते रहता हूं, क्योंकि दूसरों को दूसरों की सहायता करने से पहले अपने नकाब सही तरीके से पहने, ये इंडिगो का अनाउंसमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा मैं वेबिथॉन सेशन में आने से पहले अपना जो चश्मा जो होता है, इसको सॉफ्ट क्लॉथ में मैं क्लियर कर लेता हूं, क्योंकि मेरे क्लैरिटी जब मेरे लाइफ में होता है, तो तब जाके मैं दूसरों को क्लैरिटी दे सकता हूं। क्योंकि अगर ये फॉगी है, इफ माई गॉगल्स आर फॉगी, आई विल नॉट बी एबल टू गिव क्लैरिटी टू अदर्स। तो जैसे मैं हमेशा अपने लाइफ में अपना स्पेक्टेकल जो होता है उसको हमेशा क्लियर, जॉन सर यहां पर हार्ट दे रहे हैं क्योंकि वो भी चश्मा पहनते हैं, राइट। तो चश्मा पहनने वालों को मैं जो बता रहा हूं, यहां पर वेणुगोपाल पुजारी हैं तो उनको पता चल गया, लोकेश इज वेयरिंग अ स्पेक्टेकल, बीमल सेन गुवाहाटी से, राइट, और हमारे जय कुमार सर भी हैं। जो चश्मा जो होता है उसको हमेशा क्लियर रखना चाहिए। तो मुझे लगता है आज मेरा जो सेशन जो है, इस कपड़े के जैसे अपनी लाइफ की जो गॉगल्स जो है उसको क्लैरिटी देने में आज का सेशन आपको मदद किया। इसी उम्मीद के साथ आज की इस सेशन को मैं समाप्त करना चाहता हूं यहीं पर, लेकिन आपको क्लैरिटी दिया आज मैंने इस सेशन के जरिए, इस सेटिस्फेक्शन के साथ मैं आज का सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। फिर से मिलेंगे अगले वेबिथॉन में, नेक्स्ट वेबिथॉन में, और एक पावरफुल सब्जेक्ट को लेकर, ताकि हम अपनी लाइफ में जितना भी आगे बढ़े उस जर्नी में, इस वेबिथॉन को लेकर लोग उनकी स्पीड को बढ़ाएं, उनकी क्लैरिटी को बढ़ाएं, बिकॉज आई बिलीव पीपल विथ क्लैरिटी आर द पीपल विथ पावर। सो लेट्स बिल्ड आवर 2022 इन अ पावरफुल वे, वेटिंग फॉर एन अमेजिंग ईयर माय डियर फ्रेंड्स। आई एम ऑल एक्साइटेड अबाउट दिस ईयर 2022। आई एम गोइंग टू मीट आवर चेयरमैन एंड आवर सीईओ वेरी शॉर्टली एंड टू हैव अ डिस्कशन अबाउट, you know, making a very big change in the direct selling industry through Indus Viva. So let's all gear up, let's all wear our seat belts and get ready for an amazing dynamic journey called
लाइफ. दिस इज योर फ्रेंड, योर पार्टनर, आपके हम सफर और आपके दोस्त प्रेम कुमार, रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, साइनिंग ऑफ. हैव अ फैंटास्टिक डे माय डियर फ्रेंड्स. लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव वेर एवर यू आर. स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. खुदा हाफिज. थैंक यू वेरी मच. सुपर्ब 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 सुपर्ब. थैंक यू सो मच प्रेम सर, इट वॉज सच अ वंडरफुल सेशन. दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है, लेट अस गिव अ बिग राउंड ऑफ फिजिकल अप्लॉज. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. अभी जब मैंने ये वेबिथॉन का शुरुआत में इनको सर को बुलाने के पहले जब मैंने कुछ एक पांच मिनट बात किया, अभी समझ में आ गया हरिप्रसाद कुछ बकवास तो नहीं किया, सच में सच ही बोला यार. फील हो रहा है? अभी आप बताइए मैं कितना लक्की हूं जिस इंसान के साथ मुझे 3 साल फील्ड पे, जैसे आपका स्पॉन्सर आपका अपलाइन के साथ आप फील्ड पे जाते हो 1-to-1 प्रेजेंटेशन में, वैसे मुझे 3 साल मिला. वो 3 साल 1-to-1 लेवल पे. और मैं मेरा एक अंडर गो सो मेनी मल्टी इंटरनेशनल ट्रेनर्स, बड़े बड़े नामचीज ट्रेनर्स का ट्रेनिंग अटेंड किया हूं. बट मैं सच में बोलता हूं दोस्तों, nobody is like Prem sir. Nobody can come near to Prem sir. You know why? वो बुक पढ़ के इधर आके उसका स्टाइल नहीं दिखा रहा है. He walks the talk. Whatever he preaches, he practices. आज उन्होंने जो भी बात बोला दिखने में एकदम सॉफ्ट है, एकदम सुंदर भी है, एकदम प्यारा प्यारा दिखता है, मगर अंदर से पत्थर है पत्थर. He is very strong. Nothing can break him. अरे 8 महीने उधर ब्रेक नहीं हो पाएगा तो आने वाला दिन में क्या हो गया? लोग 8 मिनट में ब्रेक हो जाते हैं. इस इनका इंसान को दुनिया का सबसे बड़े रावण ने अटैक किया था, वो भी 8 महीना. कुछ फर्क नहीं पड़ा. जाने के टाइम कितना एक्साइटेड था ना, बाहर आने के बाद उतना ही एक्साइटेड है. वो जो बोलता है ना, एक्चुअली बहुत सारा टाइम पे हमें क्या लगता है लोग क्या सोचेंगे, हम लोगों के बारे में सोचते हैं. इवन दो अपना स्टोरी में हम हीरो है, मगर साइड रोल करने वाला हीरोइज्म दिखाता है, हम बाजू में निकल जाते. हम सोचते हैं वो क्या सोचेगा. प्रेम सर ने मुझे एक चीज स्ट्रिक्टली बताया, हरिप्रसाद जी अगर आपको जिंदगी में बढ़ना है, पहले मैं बोलता था नहीं सर, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, मेरा बहन है, उनको अच्छा करना है. उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया, हरिप्रसाद अगर आप दिल से आप अच्छे हो जिंदगी में, दुनिया में अगर आपका जीने का टाइम या जिंदगी छोड़ के जाने के पहले अगर दुनिया को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट पॉइंट आपका अचीवमेंट होना चाहिए. आप सीखो, आप एफर्ट डालो, आपका एक व्यक्तित्व, आपका एक एग्जिस्टेंस दिखाओ, आप बड़ा बनो, उसके बाद यू ग्रो लाइक ए बैनियन ट्री, उसके बाद बर्ड्स को आप आश्रय दो, दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ योर लाइफ. मगर ये प्रोसेस में बहुत बार अपना लोगों को आपको ना बोलना पड़ेगा. प्लीज लर्न टू से नो ग्रेसफुली. Without hurting others, you have to say no to the thing for which you have to say no. Where I was very weak on that. Sir ke saath rehke, jis din mein wo seekh liya, mera pehla success start ho gaya. Sir, jo bolte hai na, har session mein jab bhi sir aake, each word, mujhe ekdam clearly samajh mein kyun aata hai, he has lived that words. Wo jo बात करते हैं वो प्रैक्टिस करता है. ऐसा नहीं है कि आप लोग सुबह जाके वेबिथॉन में आओ, मैं 10 बजे तक सो जाऊंगा. अभी 1K प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, 10 मिनट का गैप नहीं, फटाफट ही इज बैक. एंड इफ यू सी शेड्यूल, आज रात 11 बजे तक उसका पेपर रेडी है. एवरी मिनट ही डजंट स्पेंड इवन 1 मिनट, ही इज वेरी कंजूस, एकदम कंजूस आदमी. 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता अनवांटेड लोगों के साथ ना. टाइम पास कर लो, इतना भी उसका क्लोज फ्रेंड रहने दो. हरिप्रसाद जी आने वाला 5 साल मुझे बहुत खाम है, उसके बाद देख लेंगे. ही डजंट वेस्ट इवन सिंगल मिनट. और ऐसे लोगों के साथ ही कनेक्शन रखता है
जिसका उसका who are who deserve it unwanted no that's why he is prem sir and जैसे उन्होंने बताया पर्पस हम सब लोगों को पर्पस मालूम हो गया अगर पर्पस नहीं है तो अभी तो क्लैरिटी मिला रहेगा and we all know we are in the best industry in the world community commerce network marketing is the most beautiful most powerful industry we are lucky in network marketing we are in the best of the company in the world जो 8 साल के अंदर 80 साल में जो मल्टीनेशनल कंपनी ने कुछ नहीं कर पाया 8 साल के अंदर हम ऑलरेडी अचीवमेंट करके छोड़ा है